एकदम नए तरीके का डेजर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आप इस दिवाली एकदम नए तरीके का डेजर्ट ट्राई करिएगा। और बिस्कुट और एप्पल से बना हुआ है तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने नमकीन बिस्किट लिया है, तो इसके पैकेट को, ये मैं 2 पैकेट ली हूँ, इसके पूरे पैकेट को आपको खोल लेना है। तो ये देखिए, ये 1 पैकेट मैंने बिस्किट ले लिया है और इसको हम ऐसे डाल देंगे। और ये दूसरा पैकेट है, इसको भी हम खोल लेंगे। ये देखिए, ये दूसरा पैकेट है। अब कोई भी, जो भी आपके पास नमकीन बिस्किट अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हाथों से तोड़ लीजिए। तो ये देखिए, मैंने सारे बिस्किट को ऐसे हाथों से तोड़ लिया है। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी डेजर्ट होता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो त्योहारों में आपने कई तरीके का डेज़र्ट ट्राई किया होगा और सब मिठाई, हर तरह की मिठाई खा के ऊब चुके होंगे। तो एक बार आप नए तरीके की इस तरह की मिठाई खाइए, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो बस देखिए, बिस्किट को मैंने तोड़ लिया है। इस तरह से हाथों से आपको सारे बिस्किट को तोड़ लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर एप्पल लिया है। आप यहाँ पर जैसे एप्पल के जगह आप बनाना भी ले सकते हैं और भी कोई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो बस एप्पल को बहुत अच्छे से धो के ऐसे ग्रेट कर लेना है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब डेजर्ट होता है। उससे पहले मैंने व्रत में केवल एप्पल का डेजर्ट बताया था, एप्पल और साबूदाने का, बहुत ही वो भी टेस्टी था। तो काफ़ी कमेंट आया था कि आप कुछ इस तरह का बिस्किट और एप्पल का डेजर्ट बनाइए, तो मैंने सोचा कि इस तरह से ट्राई करूं। तो बस देखिए, सारे एप्पल को हमको ग्रेट कर लेना है और बीच वाला पार्ट एप्पल का कभी भी आपको यूज़ नहीं करना है, जो बीज वाला भाग है। तो बस देखिए, इस तरह से सारे एप्पल को हमने ग्रेट कर लिया है। और ये देखिए, ये एप्पल को मैंने ग्रेट कर लिया है। और अब आगे के प्रोसेस में, यहाँ पर देखिए, मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें हम 1 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और 1 बड़े चम्मच मैंने घी डाल दिया है। ये शुद्ध देसी घी है। तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल ये सब मत डालिए, उससे उसका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता है। और हमको एप्पल को बहुत ही अच्छे से भुनना है, गैस का फ्लेम लो रखना है। तो देखिए, लो टू मीडियम आप रखिए गैस का फ्लेम। और ये एप्पल को डाल दिया है। आप चाहें तो जैसे एप्पल के छोटे छोटे क्यूब टुकड़ों में भी इस तरह से डेजर्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत आसानी से, इजी से, बहुत इजी तरीके से कुक हो जाता है। तो देखिए, बस इसको हम अच्छे से भुनेंगे ताकि जो डेजर्ट का स्वाद है बहुत ही अच्छा आए। तो देखिए, इसे मैंने बहुत ही अच्छे से भुन लिया है। गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है ताकि ये जले ना। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इस दिवाली आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये बहुत ही टेस्टी डेजर्ट होता है और ये बहुत ही इजी, मतलब एक तरह से केक भी होता है। और अगर आपको जल्दी में केक बनाना हो तो आप इस तरह का केक बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, बिना ओवन में पकाए, बिना कुछ किए, बहुत ही इजी तरीके से ये बनता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए, मैंने इसे अब ढक दिया है और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम में, ये हल्का सा पक चुका है। तो अब हम इसमें स्वाद के अनुसार चीनी ऐड करेंगे। तो देखिए, चीनी मैंने थोड़ा सा अधिक लिया है क्योंकि मैं इसमें नमकीन बिस्किट ऐड करूँगी। तो ये देखिए, चीनी भी मैं इसमें मिक्स करूंगी। और मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है। तो चीनी देखिए बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब एकदम जैसे तार जैसे बनने लगे हैं, तब आपको इतना पकाना है। तो बस देखिए, इसमें आप इलायची पाउडर डाल दीजिए। और ये देखिए, इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और ये बहुत ही अच्छे से, इसमें से महक आ रही है, सुनी सुनी, यानी कि ये एकदम परफेक्ट तरीके से पक चुका है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसमें से मैं 1 कटोरी में निकाल ले रही हूँ। तो ये 1 कटोरी मैं इसको बाद में ऐड करूँगी, तो वो मैंने निकाल लिया है। और अब हम इसमें जो बिस्किट है वो ऐड करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप बिस्किट ऐड करिए तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और ये हल्के गर्म में ही अपने आप ही ये कुक हो जाता है। तो बस देखिए, चलाते हुए आप इसे पकाइए। ये बहुत ही अच्छे से बिस्किट नरम हो चुका है। और अब आपको जिस भी केक टिन में सेट करना है उसमें बटर लगा दीजिए या घी लगा दीजिए और इसे बहुत ही अच्छे से सेट कर लीजिए।
तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक डेज़र्ट होता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इस दीपावली आप ज़रूर अपने मेहमानों को खिलाइए, उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। तो ये देखिए मैंने इसे सेट कर दिया है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। और इधर कढ़ाई में मैं एक ग्लास दूध लूँगी और यहाँ पर भी मैं गैस का फ्लेम मीडियम रखूँगी। तो देखिए मीडियम फ्लेम में इस दूध को आपको बहुत ही अच्छे से पकाना है। तो दूध पक रहा है तो इधर 4 से 5 बड़े चम्मच आपको कॉर्नफ्लोर डालना है। तो आपके पास जो भी कॉर्नफ्लोर अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। तो देखिए मैं 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दे रही हूँ। और अब हम देखिए इसमें हल्का गुनगुना दूध मैं इस कॉर्नफ्लोर में डालूँगी। तो देखिए मैंने हल्का गुनगुना दूध लिया है, इसे हम डालना है और इसे बहुत ही अच्छे से फेंटना है कि कोई लम्स ना रहे। तो बस देखिए इसे मैं बहुत ही अच्छे से फेंटूँगी। और कॉर्नफ्लोर डालने से ये दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से चम्मच से मिक्स करूँगी। तो देखिए मैंने चम्मच से मिक्स कर दिया है, बहुत ही यूनिक डेज़र्ट बनता है। आप यहाँ पर देखिए ये कॉर्नफ्लोर की जगह मावा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके घर में मावा हो तो उससे भी आप ये इस तरह से डेज़र्ट बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालूँगी, एक बार में नहीं डालूँगी। तो बस देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम डाल रहे हैं और दूध गाढ़ा होते जा रहा है। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी डेज़र्ट होता है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो देखिए मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया था, वो वीडियो स्किप हो चुका है, इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी ऐड कर दिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए चम्मच से है, आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो बस मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया। तो इसे आपको गर्मा गर्म ही डालना है। मैंने ऊपर से कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। और अगर आपके बच्चे कभी जल्दी में ज़िद करते हो तो आप इस तरह का केक बच्चों को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह से कॉर्नफ्लोर का बैटर डाल दिया है, ये इस तरह से आपको पूरा डाल देना है। और जो मैंने एप्पल बचा के रखा था वो डाल देंगे, और मैंने थोड़ा सा टूटी फूटी है वो डाल दिया है। और अब हम ऊपर से डालेंगे इसमें नारियल का भूरा। तो जितना अच्छे से आप इसमें नारियल का भूरा डालेंगे ये उतनी जल्दी से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए मैं ऊपर से बहुत ही अच्छे से नारियल का भूरा डाल के ऐसे हाथों से चेक कर लेंगे कि ये कितना जल्दी सेट हो रहा है। तो बस हम बहुत ही अच्छे से पूरा इसमें अच्छे से कवर कर देंगे नारियल के भूरे से। तो ये देखिए मैं हाथों से बहुत ही अच्छे से नारियल का भूरा डाल रही हूँ और इस तरह से टैप करेंगे, ये देखिए हाथों से इस तरह से टैप करेंगे। बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट होता है और फटाफट बन जाता है। तो ये देखिए ये फटाफट बन गया है और बिना झंझट के, बिना कुछ किए ये मज़ेदार केक बनता है। तो ये देखिए बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है। बस ये देखिए आपको कहीं रखने की भी ज़रूरत नहीं, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है क्योंकि इसके अंदर बिस्किट है और मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है और ये मैंने नारियल का भूरा डाला है। तो ये बहुत जल्दी सेट हो गया, इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं। तो अब देखिए हम इसे कट करके दिखाते हैं, बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी ये डेज़र्ट केक जो भी आप कहिए वो है। और इसे अब हम निकाल लेंगे, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार। तो इस दिवाली आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे कई शेप में, इसको बर्फ़ी की तरह कट कर सकते हैं, जिस भी शेप में आप चाहें कट कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी डेज़र्ट है ये, बहुत ही मज़ेदार है। अब आपको मैं कट करके दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी बना है। तो ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बना है, ये डेज़र्ट बहुत ही यूनिक बना है। तो इस दिवाली आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब डेज़र्ट है। आई होप कि आपको यूनिक लाजवाब बिस्किट और एप्पल के डेज़र्ट की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।